ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਡੇ ਲਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ तो हेलो गाइज नमस्ते वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज मौसम बहुत सुहाना है और मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ। अपना मैंने जो डेली रूटीन था जिम एंड योगा वो कर लिया कंप्लीट, नहा धो के तैयार हूँ। अभी बस ब्रेकफास्ट करना है और फिर मैंने निकलना है। मैं कहीं ऐसी जगह पर जा रहा हूँ ना आज, मतलब आपको क्या ही बताऊँ मैं यार, मतलब 1.5 ईयर हो गया मैं उस जगह में नहीं गया हूँ। और मेरे को ज्वाइन करने वाली है अंजना साथ में, तो वो तो फर्स्ट टाइम जा रही है वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं और मेरे दिल के बहुत करीब है वो जगह। स्टे ट्यून्ड, वीडियो के एंड तक बने रहे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो जी पालक पनीर बना था, काफ़ी टेस्टी बना था, मज़ा ही आ गया खा के। अब इस एनर्जी को मैं साथ ले जा रहा हूँ अपने और चलते हैं अभी बाहर और मिलते हैं अंजना से। बाय 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 शेबू। तो जी चलते हैं -1। काफ़ी टाइम बाद मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जो जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी निकलने ही लगे हैं और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे। मौसम बहुत सुहाना होगा और जहां हम जा रहे हैं वो जगह ही क्या ही बताऊं मैं, बहुत ही अच्छी जगह है। सोसाइटी के बाहर तो पहुंच गया पर उनको अंजना दिख नहीं रही है यार, ये क्या मतलब है ना, मेरे को बुला लिया। अच्छा अच्छा इस गाड़ी के पीछे है, मैं भी सोचू कहाँ गई अंजना इतनी देर से। अच्छा जी आ जाओ जी आ जाओ, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग। यार तू मेरे को दिखी नहीं, तो इन गाड़ियों के पीछे छुपी हुई मैं सोचू। हेलो टेक इट इजी वालों, कैसे हो आप लोग? टेक इट इजी वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं और मस्त है। आज ऑफ भी था मेरा और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मैंने ध्रुव को बोला कहीं बाहर चलते हैं, तो ध्रुव ने पता नहीं कौन सी जगह मुझे ले जा रहा है। आई होप बहुत अच्छी जगह होगी। डेफिनेटली अंजना बहुत ही अच्छी जगह है, तेरे को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यार उस जगह में जाके जो तेरे को सुकून मिलने वाला है ना, वो तेरे को ना जिंदगी में कहीं पे भी जाके नहीं मिलेगा। ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ तेरे को, तो निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सुखना लेक तो हम चले गए, इसके ब्लॉग में देखना आप गए थे हम सुबह सुबह, तो चलते हैं अभी। ओ यार सामने देखो ट्रैफिक कितना ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तब तक मैं ध्रुव से पूछने की कोशिश कर रही थी कि ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, तो ये मतलब ये तो मेरे को ऐसा बोल रही है, मौसम इतना अच्छा है मेरे को कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहा होगा पक्का। वैसी चीजें तो ये करता भी नहीं है, लॉन्ग ड्राइव पार्लर ले जाना ये सब चीजें ना बहुत जो हाँ। जो डेट पे भी नहीं लेके गया हूँ मैं इसको अभी तक, है ना। हाँ कोई नहीं चलेगा किसी दिन, बहुत बढ़िया सा प्लान बनाएंगे। देख लड़की चला रही गाड़ी और कितने गुस्से में चला रही है, जगह नहीं दे रही मेरे को बिल्कुल भी। लेट हो रहा होगा क्योंकि एक्चुअली मैं भी अब नेक्स्ट मंथ से मेरी ड्राइविंग क्लासेस स्टार्ट है, तो मैं ये सीख पाएगी ड्राइविंग की नहीं वो एक चीज़ है, मतलब जल्दी यार ऐसे तो सीख लेते हैं ऐसी बात नहीं, बट जल्दी सीखनी है तुझे। मुझे कोई जल्दी नहीं है सीखने की, मैं आराम से अच्छे से सीखूंगी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो सरप्राइज है मेरे लिए भी आपके लिए भी, तो प्लीज हमारे साथ वीडियो में आगे तक बने रहिए और देखते रहिए टेक इट इजी व्लॉग विद ध्रुव कंवर एंड रचना ठाकुर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। करने की क्या बात है, हीरो इसके साथ है, तुमने देखा ये एक आता था शो हीरो करके ना, मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं देखी। मूवी नहीं शो आता था हीरो करके ना। बट गाइज आज चंडीगढ़ में आजकल शिमला में हिमाचल में घर वालों से बात होती है तो पता चला है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बट चंडीगढ़ में मौसम अच्छा है ना, ज्यादा बारिश है ना, मतलब बारिश नहीं होती है ना। तो चल एक चीज करते हैं अभी, वो चल ठीक है बारिश वारिश तो, मैं और तो ना एक चैलेंज करते है गाड़ी में चलते चलते। चैलेंज क्या है, तू पंजाबी में बात करेगी और मैं पहाड़ी में रिप्लाई करूंगा, लेट्स मिक्स इट, क्या बोलती है? हो जाए ओके तो लेट्स चलिया तू किथे चलिया
किसने किया था इसने है ना मैं देखो पंजाबी फिर भी बोल रही हूँ उसको पहाड़ी यार मेरे को ना मेरा मुझे क्या चक्कर है मेरे को ना पंजाबी भी समझ आती है पहाड़ी भी पूरी समझ आती है पर दिक्कत क्या आती है कि मेरे को बोलनी नहीं आती तब भी मैं कोशिश करूंगा बट मैनू पंजाबी भी बोलनी आती है मैनू पहाड़ी भी बोलनी आती है एंड मैनू समझनी भी आती है एंड मैनू बोलनी भी आती है गर्ल पावर पंजाब में शादी हो रही है भाई चंडीगढ़ में शादी हो रही है तो भाई पंजाबी तो आनी चाहिए एक्चुअली मैं जहाँ पिछले हॉस्पिटल में थी मैक्स हॉस्पिटल में तो वहाँ पे गगन दीदी परम दीदी वगैरह मेरी जो सीनियर्स होते थे तो वो ना पंजाबी में बात करते थे वहाँ पे मैक्सिमम सारे वहाँ पे पंजाबी में बात करते थे तो मैंने ना थोड़ी थोड़ी मतलब मैंने 3 साल काम किया है तो भाई आएगी वो चल ठीक है अभी दिक्कत ये है कि पेट्रोल है कम हमारे पास और ट्रैफिक इतना ज्यादा और पेट्रोल देखो आप मेरा कितना कम है और ये ट्रैफिक ना पूरा आगे तक होगा मैं 110% बोल सकता हूँ और अंजना को ये बड़ा पसंद आया नामधारी टेलर्स यही है फ्लाईओवर उतरते ही चंडीगढ़ की तरफ क्योंकि मुझे ना यहाँ पे बढ़िया बढ़िया कुछ दिख रहा है तो ये देखो आप इसमें देख पा रहे होगे आप मेरे साइड मिरर में किस तरह से ट्रक फंस चुका है बीचों बीच ये देखिए ये पता नहीं क्या अलग ही सीन देखा मैंने ट्रैफिक एज यूजुअल इतना ही है और ये ट्रक वाई लाइन पे आ गया देख रही अंजना मुझे लग रहा है वो ना मुड़ के ना उस साइड को चला गया होगा तभी शायद ये दिक्कत आई है अभी देखो क्या लग रहा है कि कहाँ जा रहे होगे I have no idea चंडीगढ़ में वैसे भी सड़कें सेम मुझे ना कोई पता नहीं चलता जब तक हम मेन डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच जाते गाइस ही सेड कि इसको रास्ता नहीं पता कि कहाँ होके लेके जाओ तेरे को मुझे समझ गया था तू लेके जा रहा है मुझे यार लेके अच्छी जगह जा रहा हूँ बट वो रास्ता नहीं पता रनिंग आउट ऑफ फ्यूल और पेट्रोल पंप दूर दूर तक नहीं है मेरे सामने एक था वो राइट में बट मेरे को इतना टाइम नहीं है चलो फिर ढूंढते हैं पहला काम तो पेट्रोल पंप फिर ही घूम सकते हैं मुझे पता चल गया है तू मुझे हिमाचल ले जा रहा है हाँ हिमाचल लेके जा रहा हूँ अरे हिमाचल थोड़ी जाऊंगा इतने से पेट्रोल मैन जो तो फिर कहाँ लेके जा रहा है ये रोड और कहाँ जाता है नहीं अभी तेरे को मैं बताता हूँ आगे थोड़ा सा इंतजार कर वो आइडिया लग जाएगा 1000 का पेट्रोल ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई वहाँ पे 103 है पेट्रोल मैं कहा पेट्रोल इतना महंगा हो गया ऐसे कैसे वो हाई स्पीड पेट्रोल था अब ये रोड देख के अब ये तो नहीं बोलेगी तू कि भाई अब कहाँ लेके जा रहा है ये तो नहीं जाता ना हिमाचल एक ये थिएटर देख रही है अंजना तू पीछे सूरज नाम से थिएटर है क्या ये ना बहुत ही पुराना थिएटर है यार यहाँ पे बहुत सारी पुरानी मूवीज देखने जाते थे पापा बताते थे मेरे को अपने टाइम पे हाँ जी तो पहुंच चुके हैं जी डेस्टिनेशन की तरफ अपनी पार्किंग मिल गई है और कहाँ हम पहुंचे हैं वो मैं इसको तो आइडिया लग गया है मैंने बोर्ड पढ़ लिया है पहली बार आई हूँ एंड सच में बहुत अच्छी जगह है एंड थैंक यू सो मच तुमने मुझे यहाँ लाया चलते हैं आपको भी बताता हूँ मैं बता दो बताइए तो हम आए हैं जी मनसा देवी टेम्पल यहाँ मतलब पंचकुला चंडीगढ़ का बहुत ही फेमस माता का टेम्पल है मनसा देवी माता का मैं 3 साल से चंडीगढ़ में रह रही हूँ आज तक कभी मनसा का उन्हें नाम भी नहीं सुना होगा मनसा देवी का हाँ और मैं आज आई मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे नवरात्रों के टाइम ना बहुत अच्छे से नवरात्रि वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं और यहाँ पे यार मैं ना अक्सर अपने मॉम के साथ आता था लास्ट टाइम जब मॉम के साथ ही आता यहाँ पे और आज अंजना के साथ आया हूँ तो चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं माता की लेते हैं ब्लेसिंग्स तो रास्ता कुछ यहाँ से है जब मैं पहले आता था तो ना दूसरा रास्ता था तो आज मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ रास्ता
उसका नहीं पता है, तो मैंने बोला तू 1.5 साल पहले आया था, तो भाई आजकल तो मंथ 6 मंथ में चीजें चेंज हो जाती है। 1.5 साल कहाँ है, 1.5 साल में पूरा। अरे यार भूल गया यार मैं। ये देखें यहाँ पे SBI ATM कैश। वाह यार, मतलब कैब के अंदर ATM। मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। वाह यार ये बढ़िया चीज लगी मेरे को, मतलब यही ATM है अब, इसके थ्रू ही आप पैसे निकालोगे। वाह यार नाइस कॉन्सेप्ट। ATM मतलब पोर्टेबल ATM एक हिसाब से, अंदर ATM लगा है, साथ में सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। और यहाँ पे ये चीज़ मेरे को देखने को नहीं मिली। अंजना इधर को है मंदिर, इधर को प्रसाद लेना है यहाँ पे। बोलो जय माता दी। जय माता दी, बट इसको ना कुछ भी पता नहीं है, पहली बार आए हैं दोनों। तो ये है जी माता का प्रसाद पिन्नी, तो ये ले रहा हूँ मैं। बाकी यहाँ पे प्रसाद इस तरह से मिलता है, और यहाँ पे शॉप है बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल सामने है, बहुत सारी शॉप्स है। मेरा ले लो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये वाला चलिए। और ये माता की सुहागी कर लो, ये वाली। हाँ हाँ जी, नारियल और चुन्नी भी दे दो, नारियल भी ले लेते हैं। ठीक है यही ये लो। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर माता के मंदिर, माता जी का श्रृंगार ले लिया है। और ध्रुव बोल रहा था कि आफ्टर मैरिज यहाँ आएगी, पर हमने बोला कि अभी हम आ ही गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल तो फिर चल ही लेते हैं। फिर यहाँ नवरात्रि होते हैं ना, तो लोग यहाँ होके जाते हैं इधर होके। और बट अब ये तो हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे, वो इसलिए क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है। हाँ तो यहाँ होके पूरा इधर होके जाना, इधर से फिर इधर इधर इधर, मतलब पूरा सांप सीढ़ी जैसा सीन है। अब शॉर्टकट होके डायरेक्ट आगे पहुँच सकते हो। जय माता दी। कैसा लग रहा है अंदर आके? अच्छा है ना यार, यहाँ पे आके ना बहुत सुकून मिलता है। और ये मंदिर ना मतलब बहुत पॉजिटिविटी का भंडार है। जय माता दी। देखिए अब यहीं से लाइन शुरू हो गई है, तो मतलब नॉर्मल डेज में कितना रश है, तो सोचो आप नवरात्रों में कितना रश होता है। जय माता दी। तो दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से। कैसा लगा देखो यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा ना। तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी है, जब भी आप लोगों को टाइम मिले कृपया यहाँ पे ज़रूर आए, बहुत शांति मिलेगी आपको, बहुत सुकून मिलेगा। अब यहाँ पे आगे जाके भी मंदिर है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। एक ये वाला मंदिर है, तो मैंने सोचा जब आए हैं तो पूरे मंदिर के दर्शन करवाता हूँ अंजना को। क्यों? अच्छा लग रहा है आज? सबसे अच्छी चीज़ यार आज ना मतलब गर्मी नहीं है, मेरे को तो बहुत स्वेटिंग होती है इसलिए मेरे को पसीना पसीना हुआ है, बट ठीक है मौसम आज टॉलरेबल है। अपने हो चुके हैं और अब मैं अंजना को लेके जा रहा हूँ भंडारा। और भंडारा में मुझे लोगों को देख के बहुत रश है। रश मेरे को लगता नहीं, देखते अंदर जाके कितना रश है कैसा है। यार जब भी मैं यहाँ आता था ना, यहाँ का भंडारा खा के जाता था, क्योंकि यार देखो थोड़ा सा खाओ बेशक बट खा के जाओ, क्योंकि यहाँ का भंडारा बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही ना दुआओं से बनाया जाता है यार, बहुत ही पुण्य का काम होता है वैसे भंडारा देना भी। और हम खा रहे तो इस चीज़ के प्रसाद के भागीदार हो रहे भगवान के। चलते अंदर देखते मिल रहा है कि नहीं। ओहो हो हो, काफ़ी अच्छा रश है भंडारे स्थल पर। इस तरह से यहाँ पे भंडारा मिलता है कड़ी चावल, थोड़ी सी और डाल देना कड़ी बस। तो ये आ गया जी कड़ी चावल, खा के देख कैसे लग रहा है देखो, और खाना पड़ेगा पूरा, क्योंकि भंडारे का यही होता है कि आपको पूरा खाना पड़ता है, है ना। अच्छा मैं भी खाता हूँ यार, देखो मेरे तो बहुत फेवरेट है, मैंने तो कड़ी जानबूझ के ज़्यादा डलवाई। हाँ हाँ साथ में हलवा, मज़ा आ गया। तो जी भंडारा कर लिया हमने, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आ गया।
और मतलब ना कुछ चीजें जब आपका आना मंदिर में लिखा होता है तभी तभी आते हो, तो 3 साल हो गए थे मुझे भी चंडीगढ़ में, मैं अभी तक नहीं आई थी, तो शायद मेरा आज ही लिखा था और ध्रुव के साथ ही आना लिखा था, तो आज माता जी के बहुत अच्छे से दर्शन, सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं भी जब भी आपको फ्री टाइम मिले या फ्री हो घर पे तो प्लीज कभी दर्शन करना जरूर आए। तो यहाँ पे बेसिकली लोग क्या करते हैं कि ना संडे या सैटरडे को आते हैं, एक छोटा सा ट्रिप जैसा बना देते हैं जिसमें अपनी माता के दर्शन भी हो जाते हैं, अपना लंच भी हो जाता है। थोड़ा सा हम इस तरफ आए हैं मंदिर के, तो यहाँ पे यज्ञ हॉल है और बहुत अच्छी सी ग्रीनरी है, ये देखिए आप, मजा आ गया। रील बनाए या? तो यहाँ पे रील काफी अच्छी बनेगी। मैं और अंजना तो यहीं पे बैठ गए बढ़िया घास में, मजा आ गया बैठने में ना। तो आप यहाँ पे ट्रिप कर सकते हो, बहुत अच्छा है वो, मतलब ग्रीनरी ऐसा पार्क है यार, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, बढ़िया। यहाँ पे मतलब सुबह सुबह निकलो, दर्शन करो माता के, अगर या बोलो क्या करो अंजना, आप ना मतलब 4-5 बजे के करीब आओ, उस टाइम फिर ना शाम के टाइम आरती लगा के भी जा सकते हैं आप, शाम की माता की ना, तो बढ़िया आपका एक बोल सकते हो वैष्णो देवी जैसा होता है ट्रिप, काइंड ऑफ। कोई चंडीगढ़ आता है ना जैसे, तो अगर उनको लेट हो जाती है तो वो यहाँ से दर्शन करके लंच करके भी जा सकते हैं, खाना बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, सही बात है। और बाकी ना आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे है या आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है तो आप यहाँ पे ना डोनेट भी कर सकते हो, यहाँ पे ना सबको खिलाया जाता है भंडारा, और ये भंडारा में डोनेशन आप दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा यार, क्योंकि देखो देने से ही बढ़ता है आगे। तो माता जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें इस काबिल बनाए कि हम दे सके बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा काम कर सके। हाँ तो फिर अभी मैं और अंजना सोच रहे थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ की वाइब्स को पूरा एनालाइज करते हैं, भगवान का थोड़ा रिलेशन बनाते हैं। तो अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक, शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, देखते रहे टेक इट इजी व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स।